अमरीका की कैंसस यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर मार्क हॉग ने अपने उपर एक नवा ही एक्सपेरिमेंट किया। उसने लगभग 2 महीने के लिए अपनी डाइट के बेकरी वाले समान यानी कि डोनट बिस्किट ते चॉकलेट शामिल किए। इस सब के बावजूद इन्ह 2 महीनों के उसका भार लगभग 12 किलो घट गया। इस कारनामे को अंजाम देने उसने एक खास रूल फॉलो किया जिसनों की चर्बी घटाने का पहला असूल कहा जा सकता है। यह रूल की है ते इसनों अपनी खुराक से असं किवें लागू कर सकते हैं आओ पता करते हैं। सत श्रीकाल जी सारे, मैं हाँ तुहाडा अपना डॉक्टर नवदीप सिंह। मोटापे तो मुक्ति वीडियो सीरीज के 6वें एपीसोड भार घटाने का पहला असूल के स्वागत है। अज का युग मशीनी युग है, हर मशीन किसी ना किसी एनर्जी सोर्स या ईंधन से चलती है। सानू पता है कि स्कूटर या कार बिना पेट्रोल तो नहीं चल सकती। बिल्कुल इसे तरीके दे नाल साड़ी बॉडी नू चलाउण लई भी एनर्जी की जरूरत पैंदी है ते इह एनर्जी सानू साड़ी खुराक तो मिलती है। खुराक यानी कि जो भी असीं खाने पीने हां जिवें रोटी बिस्किट या चाह, इन्हां चीज़ों तो मिल रही एनर्जी की मदद दे नाल साड़ी बॉडी दे अंदर कई सारे सिस्टम्स चलते हैं। जिवें कि साडा दिल सारी बॉडी दे विच खून पंप करता है, साडे फेफड़े हवा दे विचों ऑक्सीजन लैके सारी बॉडी दे सैल्स दे विच भेजदे हन अते साडा दिमाग सोचण समझण अते फैसले लैण दा काम करदा है। हुण तुसीं भी अपने दिमाग ते थोड़ा जोर पाओ ते मैनूं दसो कि की कदे तुसीं भौतिक विज्ञान दे एक बुनियादी सिद्धांत ऊर्जा दी इकसारता दे बारे कदे कुछ सुनिया है? वैनी प्योर पंजाबी तां समझ ही नहीं आई। आपां थोड़ा पिछे चलदे, की तुसीं कदे फिजिक्स दे एक बेसिक प्रिंसिपल लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ एनर्जी दे बारे कुछ सुनिया है? जेकर सुनिया है तो बहुत वधिया गल है, जेकर नहीं भी सुनिया तो बस तुसीं इक्को चीज जाननी है कि किसी भी तरह की ऊर्जा या एनर्जी नूं पूरी तरह नष्ट नहीं किया जा सकता, उसनों बस एक रूप तो दूसरे दे विच बदलिया जा सकता है। जिवें कि असीं इस सीरीज़ के दूसरे एपीसोड दे विच एक गल कीती सी कि जेकर साडी बॉडी नूं लोड नालों वध एनर्जी मिल रही होवे तां उस नूं नष्ट नहीं करदी, उस नूं चर्बी दे विच बदल के अपने अंदर ही जमा कर लैंदी। पर सानूं इह किवें पता चलेगा कि साडी बॉडी नूं किन्नी एनर्जी की जरूरत है ते साडी खुराक दे विचों सानूं किन्नी एनर्जी मिल रही है? इस दे लई सानूं पहला इह पता होना चाहिए है कि साडी खुराक विचों मिल रही एनर्जी नूं असीं मापणा या मैजर किवें करना। हुण जिस तरीके दे नाल असीं एक कपड़े नूं मीटर दे विच मापदे हां अते पेट्रोल नूं लीटर दे विच, उसे तरीके दे नाल साडी खुराक दे विचों मिल रही एनर्जी नूं कैलरीज दे विच मेजर कीता जांदा है। जे किसी खाने दे विच वध एनर्जी है इसका मतलब है कि उसके कैलरीज भी ज्यादा होणगियां, जे किसी खाने दे विच घट एनर्जी है तो इसका मतलब है उसके कैलरीज घट होणगियां। खुराक विज्ञानियों ने लगभग हर खाण पीन वाली चीज़ विचों मिल रही कैलरीज का पहला ही पता लगा रख्या है। उदाहरण वजो एक रोटी दे विच लगभग 100 कैलरीज होंगे, एक बिस्किट दे विच लगभग 30 कैलरीज। हुण इन्हां चीज़ां नूं सौखे तरीके दे नाल किवें याद करना है यह चीज़ां असीं अगले एपीसोड दे विच जाणांगे। फिलहाल असीं यह समझण की कोशिश करते हाँ कि खाने विचों मिल रही एनर्जी नूं इंज कैलरीज दे विच मापण का सानूं की फायदा है। आम तौर पर एक इंसान नूं एक दिन दे विच लगभग 2000 कैलरीज की जरूरत होंदी है जिसकी मदद दे नाल उसके बॉडी के अंदर कई सारे सिस्टम्स चलते हैं। यानी कि साडा शरीर एक दिन दे विच लगभग 2000 कैलरीज खर्च करता है जिसनों की असी कैलरी खर्चा या कैलरी एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं। मैं तुहानूं हुणी दस्या सी कि लगभग हर खाण पीन वाली चीज़ दे विच कैलरीज होंदियां हन। हुण साडी एक दिन की खुराक दे विचों मिल रही टोटल कैलरीज नूं असीं खुराक चो कैलरी या कैलरीज फ्रॉम फूड कह सकते हैं। हुण जेकर इन्हां दोनों नूं एक दूजे दे विचों घटा दिता जाए या माइनस कर दिता जाए तो साडे कोल जो भी बचा उसनों असीं कैलरी बकाया कह सकते हैं। गल नूं सौखा करन लई असीं एक उदाहरण लैंदे हां। मान लो कि तुहाडी खुराक चो तुहानूं 2500 कैलरीज मिल रही हैं ते तुहाडे शरीर का कैलरी खर्चा 2000 है तो बकाया किन्ना होया? सौखा है, 2500 चो 2000 घटाए बचा 500 कैलरी, यानी कि साडे शरीर कोल 500 कैलरी लोड नालों वध हन अते सानूं पता है कि साडा शरीर इस नूं चर्बी विच बदल देवेगा ते अपने अंदर जमा कर लवेगा। इस स्थिति नूं कैलरी वाधा या कैलरी एक्सेस कहा जांदा है जिस विच तुहाडा भार वधना लाजमी है। हुण मान लैंदे हां कि तुसीं अपनी खुराक दे विच थोड़ा सुधार कीता ते तुहाडी खुराक चो कैलरी 2500 तों घट के 2000 ते आ गई, पर कैलरी खर्चा पहलां जिन्ना ही है यानी कि 2000 कैलरी। हुण कैलरी बकाया किन्ना होवेगा? सौखा है, 2000 दे विचों 2000 घटाए अते बचा कुछ भी नहीं क्योंकि दोवें बराबर हन। इस स्थिति नूं कैलरी संतुलन कहा जांदा है। हुण साडे शरीर कोल चर्बी जमा करन लई फालतू कैलरी नहीं हन अते साडा भार नहीं वधेगा, पर असीं अपने भार नूं बरकरार नहीं रखना चाहुंदे, असीं उसनूं घटाउणा चाहुंदे हां। हुण उस लई की कीता जावे? मान लो कि तुसीं अपनी खुराक नूं होर ज़्यादा संतुलित कीता ते हुण तुहाडी खुराक दे विचों कैलरी 2000 तों घट के 1500 ते आ गई है,
कैलरी खर्चा पहला जिन्ना 2000 कैलरी है, हुण कैलरी बकाया किन्ना होगा? 1500 दे विच्चों 2000 कटाए तो उत्तर आया -500, यानी कि शरीर नूं 500 कैलरी का घाटा पै गया है। हुण इस घाटे नूं साडा शरीर कित्थों पूरा करेगा? शायद उत्तर तुहानूं पता है, साडी बॉडी विच जमा हुई पालतू चर्बी तों। यानी कि जेकर असी अपनी खुराक नूं संतुलित करके शरीर दे विच कैलरी घाटा पैदा कर लईए तां जमा हुई चर्बी नूं वरत्या जा सकदा है अते साडा भार घट सकदा है। सो चर्बी नूं घटाउण दा ब्रह्मस्त्र फॉर्मूला तुहाडी अक्खां दे सामने है। मेरी तुहानूं इहो गुजारिश है कि इस फॉर्मूले नूं अपने मन दे विच बचपन दी किसी सुनहरी याद दे वांग वसा लो। किसी भी किस्म की खुराक जिस फॉर्मूले की पालना करती है तो वह तुहाडा भार घटा सकती है, जेकर नहीं करती तो यह मतलब वह खुराक गैर विज्ञानिक है। यह जी खुराक की सलाह देने वाला तुहानूं बुद्धू बना रहा है। हुण शायद तुहानूं समझ आ रहा होगा कि बाहर का खाना बंद करन दे बावजूद कई लोगों का भार क्यों नहीं घटना। साडे दोस्त बाहर का खाना तो बंद कर देंगे हैं पर घर के ही कैलरी डेंस फूड्स जिमें कि तेल, आटा या होर मिठिया चीज़ा लोड़ नालों वध मात्रा के खा रहे होंगे, जिस नाल उन्होंने शरीर के कैलरी घाटा नहीं पैदा हो पाता, भार घटन की बजाय बदन लग जाता है। दूसरे पासे अजिहे बहुत लोग हैं जो कि बाहरों खाना खाने के बावजूद जाने अनजाने के ही कैलरीज घट खा रहे होंगे, जिस करके उन्हों का शरीर कैलरी घट के रहता है, बाहरों खाना खाने के बावजूद भी पतले ही रहते हैं। साडे ओ खुराक विज्ञान के प्रोफेसर मार्क हॉब ने भी जंक फूड खाने के बावजूद भार घटाने लई कैलरी घाटे वाला फॉर्मूला ही अपनाया सी। इन्हां गल्लां तों साबित हुंदा है कि तुसीं रोज़ अपनी खुराक दे विच अपनी मनपसंद चीज़ां जिवें कि चॉकलेट, जलेबी या बर्गर एक सीमित मात्रा दे विच शामिल कर सकते हो। शर्त यह है कि तुहानूं दो चीज़ां का बहुत क्लीयरली पता होना चाहिए है। पहली चीज़ तुहाडे कद, उम्र ते जेंडर दे मुताबिक तुहाडे शरीर नूं एक दिन दे विच किन्नी कैलरीज दी लोड़ है, यानी कि तुहाडा कैलरी खर्चा किन्ना है, अते दूसरी चीज़ तुहाडी एक दिन की खुराक दे विचों तुहानूं किन्नियां कैलरीज मिलणियां हन, यानी कि कैलरीज फ्रॉम फूड, यानी कि तुहानूं तुहाडी खुराक चों कैलरीज दा पता होना चाहिए है। इन्हां दोवां सवालों का जवाब तुहानूं अगले एपीसोड दे विच जरूर मिलेगा। इन्हां गल्लां दे नाल ही तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ लाइक, फॉलो एंड सबसक्राइब। मिलते हैं जी अगले एपीसोड में।